हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त एडवोकेट शिवेन प्रताप सिंह। आज हम आपको बताएंगे भारत के नए कानून में FIR दर्ज करना और भी आसान हो गया। कभी कभी लोग ये सोचते हैं मुझे थाने का चक्कर ना लगाना पड़े, मुझे थाने ना जाना पड़े और मेरी FIR भी दर्ज हो जाए। इसका भी बताएंगे क्या है सॉल्यूशन। दूसरा ये कि अब बिना लिखित FIR भी दर्ज कर सकते हैं आप, या यूं कहें आप जहां स्थित हैं, जिस समय जहां भी हैं आप चाहे आपका वो एरिए का थाना हो या ना हो, किसी भी थाने पर पहुंचकर आप आसानी से FIR दर्ज करा सकते हो। चौथी बात ये कि बिना पहुंचे यानी कि फ़ोन से भी FIR दर्ज करा सकते हो। पांचवी बात ये कि आप किसी भी मामले में मौखिक रूप से भी FIR दर्ज करा सकते हो, यानी कि कुछ आपको लिख के नहीं देना, ऐसे भी FIR दर्ज करा सकते हो। यानी कि तमाम ऐसे फ़ायदे जो आपको FIR से संबंधित मिलने वाले हैं, उन फ़ायदों को आपको आज के इस वीडियो के माध्यम से जानकारी मिल जाएगी। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और यह वीडियो अपने दोस्तों में, अपने मित्र में या अपने रिश्तेदारों में आप इनको ज़रूर भेजें, ताकि हर एक व्यक्ति को जो समस्या होती है उसका वो आसानी से सॉल्यूशन निकाल सके, आसानी से उस पर कार्रवाई वो कर सकता है। तो वीडियो में अंत तक बने रहें। शुरू करने से पहले आपको बता दें, अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि हर जानकारी आपको सबसे पहले तक आने वाली जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो देखिए, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता जो नया कानून 1 जुलाई से लागू हो चुका है, उसमें धारा 173 BNSS की धारा 173 में ये प्रोविजन दिया गया है कि आप फोन से भी FIR दर्ज कर सकते हैं, मौखिक रूप से भी FIR दर्ज कर सकते हो। मान लो कि व्यक्ति अनपढ़ है, मान लिया जाए व्यक्ति अनपढ़ है, तो वो अपने FIR कैसे दर्ज कराएगा? बोल के ही तो बताएगा, वो लिख के दे नहीं सकता है, तो वो FIR दर्ज करा सकता है। और आगे आपको बता दें कि मान लीजिए किसी और जगह आप हैं, घटना कहीं भी हो गई, वर्तमान समय में आप कहीं और पहुंचे हैं, तो आप किसी भी थाने पर जाकर अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। 24 घंटे के भीतर वो ट्रांसफ़र हो जाएगी आपके संबंधित थाना क्षेत्र में। ये भी एक बहुत अच्छी बात है। कभी कभी लोग सोचते हैं, यार घटना वहाँ हो गई, अब मैं यहाँ पहुँचा हूँ, अब मैं जाऊँगा महाराष्ट्र में मुकदमा लड़ने, ये वो, वहाँ पर जाऊँगा FIR कराने। या कभी कभी आपने ये देखा होगा, पुलिस ये सीधे पल्ला झाड़ती है कि मेरे एरिए का घटना नहीं है, मैं FIR नहीं लिखूंगा, जाओ उसके पास गए, कब हुई, कैसे हुई, देशभक्त की पंचायत किया, शिकायत दे दो, ऐसा कर दो, जाओ वहाँ पे। यानी कि रोज़ कहानी, आदमी थकार के सोचता छोड़ो अब मैं FIR नहीं कराऊंगा, तो ऐसा नहीं। आप जहाँ भी हैं तुरंत वहीं जाके FIR दर्ज कराओ, कोई दिक्कत नहीं है, तुरंत FIR दर्ज। फ़ोन से करा दो मत जाओ, फ़ोन से दर्ज करा दो, ऑनलाइन कर दो, हर एक सुविधा FIR से रिलेटेड आपको मिल गई है। चलिए, अब यहाँ सवाल ये है कि मान लिया जाए कि FIR दर्ज नहीं करता पुलिसकर्मी अधिकारी, तो धारा 198 199 BNS यानी कि भारतीय न्याय संहिता के तहत उस पुलिस वाले पर भी कार्रवाई हो जाएगी, 1 साल की सजा। कहने का मतलब ये कि उसको करना ही पड़ेगा, तो ऐसा नहीं कि रास्ता नहीं है। अब नेक्स्ट आगे देखते हैं। अब मान लीजिए मामला असंज्ञेय है, नॉन कॉग्निजेबल है। अब नॉन कॉग्निजेबल मामलों में, असंज्ञेय मामलों में जो छोटी मोटी धारा में है, छोटा मोटा विवाद है, तो ऐसी स्थिति में पुलिस आपकी FIR नहीं दर्ज करेगी, तो सीधे आप कोर्ट में जाओ, आप सीधे कोर्ट में जाओ। धारा 223 BNSS
इसमें बहुत ही अच्छा लाभ है। पहले आप धारा 156(3) में जाते थे, परिवाद फाइल करते थे या 200 का बयान देते थे, 200 का, फिर 202 का, गवाहों का, तमाम ऐसी प्रोसीडिंग थी। अब आप असंगे मामलों में सीधे मजिस्ट्रेट के यहाँ परिवाद फाइल कर लो। इसमें एक फायदा हो गया, पहले दुनिया भर का समय लगता था तारीख पे तारीख, तो अब तारीख पे तारीख का काम खत्म। अगर आपने कोर्ट में परिवाद फाइल किया नॉन कॉग्निजेबल मामलों में, तो ऐसी स्थिति में वो कोर्ट में जो केस है 232(BNSS) 120 से 180 दिन के भीतर डिसाइड भी हो जाएगा। कहने का मतलब ये तारीख पे तारीख जो मिलती रही, 10 साल 5 साल मुकदमा लड़ता रहा आदमी, वो सिस्टम खत्म। 120 से 180 दिन के भीतर वो आपका परिवाद डिसाइड हो जाएगा, केस खत्म हो जाएगा। अब एक और आपको बता दें, मान लीजिए लोक न्यूसेंस के मामले में SDM के यहाँ, जैसे कि नाले बंद कर देना, रास्ते पे गाड़ी खड़ा कर देना, लाउड तेजी से तेज आवाज़ में लाउड स्पीकर बजाना, गाली फक्कड़ करना, 152(BNSS) SDM क्या 1,000 रुपये का जुर्माना करेगा। और अगर वो गलती दोबारा से वो करता है व्यक्ति, तो 293 भारतीय न्याय संहिता यानी कि BNS के तहत 6 महीने की भी उसे सजा हो जाएगी। कहने का मतलब ये कि हर परेशानी का सॉल्यूशन है और उचित सॉल्यूशन है। तो कोई और सवाल शेष रह गया तो स्क्रीन पर चल रहे नंबर पर फोन करके जानकारी ले सकते हैं। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ आज का यह वीडियो आपको बेहद पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। YouTube चैनल SP72 कानून प्रयागराज को जरूर सब्सक्राइब।